हाल ही में आपने अपने एक इंटरव्यू में 70 लाख का जो लोन लिया है उन्होंने गोल्ड का, उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग दी थी। जब अरहान खान बिग बॉस के घर से बाहर आए तो उन्हें बताया गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई 70 लाख का गोल्ड नहीं लिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, चोर कभी अपनी चोरी नहीं मानता है। और जो मैं आपको बताऊं, जैसे सलमान सर ने बोला था कि आपके लोन्स हैं अरहान, तो उन्होंने लोन्स सुन के अंदर घर के अंदर जाके उन्होंने कहा ये गोल्ड की बातें कहाँ से आ रही है। सलमान सर ने गोल्ड की बात ही नहीं की है। आप शो उठा के देखिए, पीछे जो उनके एपिसोड्स हैं उसमें उन्होंने लोन बोला था। इन्होंने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है गोल्ड, अंदर जाके वो रश्मि को कह रहे हैं ये गोल्ड की बातें कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया है कि गोल्ड, इसका मतलब उन्होंने लिया है, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं गोल्ड। सलमान सर ने लोन बोला, आप अंदर जाके गोल्ड बोल रहे हो। और बाकी इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे इससे, मुझे जो सामने वाले ने फोन करके बोला मैंने आपको वो सुनाया, अब ये इन दोनों की कितनी सच्चाई है, उस आदमी को कितना इससे क्या गोल्ड लेना है, वो खुद देखेंगे ना अपनी चीजें। मैं तो अपनी चीज लड़ सकती हूँ और मैं इसकी असलियत खोल सकती हूँ, लेकिन अब ये दोनों आपस में क्या चल रहा है इनका, ये तो यही जानते हैं बेसिकली। और जिनसे गोल्ड लिए वो अपना एक्शन लेंगे, वो वेट कर रहे हैं कि रश्मि बाहर आएगी, क्योंकि इन्होंने उनको बोला है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता जब तक रश्मि घर से बाहर नहीं आती है। अभी क्या करने का इरादा है आपका, क्या करना जी? अभी मैं देखिए, हाफ चीज मेरी, हाफ बैटल जो है मैंने विन कर ली थी जब इनकी शादी, इनकी रॉन्ग स्ट्रेटजी मैंने रोक दी। और अगर मैं नहीं बोलती तो शायद मैं ये भी नहीं कर पाती और लोगों को इतनी सारी चीजों का पता भी नहीं चल पाता। तो बाकी जो रही मेरे पैसों की बात, उसके लिए मैं लड़ रही हूँ ऑलरेडी। जिस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है मैं सिस्टम के हिसाब से चल रही हूँ ना, तो मैं उनको बहुत ज्यादा फोर्सिबली यही बोल सकती हूँ कि आप अभी के अभी जाके हथकड़ी लगाइए, क्योंकि लोग मुझे बहुत सारे ट्रोल करके बोल रहे हैं आप क्या कर रही हैं, वो घर से बाहर हो गया उसको अरेस्ट करवाइए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे जो गवर्नमेंट है, आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से चलती है, उनके पास सिर्फ एक केस नहीं होता है, तो वो अपनी स्पीड से चल रहे हैं, तो मैं भी उनको उनकी स्पीड से चलने दे रही हूँ। तो मैं इतनी जल्दी मत जाके अभी कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो शो से आउट हो चुके हैं और अभी पुलिस अपना काम करेगी, उसमें मैं जाके कुछ ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकती हूँ। मैं एक हद तक उनसे बात कर सकती हूँ, उनको मैसेजेस कर सकती हूँ, देखिए मैंने आप दिखा सकती हूँ, मैंने कल ही इंस्पेक्टर जो है उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा है आप शांति रखिए हम अपना काम कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा मैं और आगे क्या कर सकती हूँ, आप बताइए। बिग बॉस के घर से इविक्ट हो चुके हैं अरहान खान, उसके बाद आपने उन्हें कांटेक्ट किया, क्या उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया आपको? जी, मैंने उनको कांटेक्ट भी किया, मैंने उनको मैसेजेस भी किए, लेकिन उन्होंने उन मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया, बिकॉज आई थिंक वो डरे हुए हैं। और मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ, अगर कोई इंसान मीडिया पे आके इतनी सारी बातें करता है, जैसे कि मैंने इतनी सारी खुलासे किए हैं गट्स के साथ, तो अगर उनकी जगह कोई भी इंसान होता, अगर मैं झूठी होती तो वो आके मुझे कन्फ्रंट करते। आपको ये बात तो पता होगी, मेरे बारे में कोई कुछ बोलेगा तो ऑफकोर्स मैं उस आदमी से एक बारी तो बात करना चाहूंगी कि तुमने ऐसा बोला कैसे, लेकिन उनकी हिम्मत मेरे सामने आने की अब तक नहीं हो रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो मेरे सामने आके कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। जानता नहीं हूँ कहने से उनकी सच्चाई नहीं छुप सकती है। एक्चुअली अगर नहीं जानते थे तो मीडिया ने अब तक उनसे सवाल क्यों नहीं किए कि आपकी हार्ड कॉपीज कहाँ से आई हैं, आपके बारे में वो इतना कहाँ से जानती हैं, आपका शादी का बहन का कार्ड कहाँ से आया है। तो मीडिया उनसे बहुत से सवाल नहीं कर रहा है। और वो जो मलाड में जहाँ रहते थे, मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ, आप मलाड में, आप जो ओनर हैं, जहाँ पे भी अरहान खान रहे हैं, आप काइंडली मुझे कांटेक्ट कीजिए। जितने भी लोग, जैसे कि हमारी जो पुरानी ओनर थी, हम धीरज गंगा में रहते थे, मैं चाहती हूँ वो ओनर भी अगर ये देख रही हैं तो वो सामने आके इसकी असलियत खोलने में मेरी मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको ऑलरेडी जानते हैं। मैं चाहती हूँ सब लोग सामने आए और सच्चाई सबके सामने ऑटोमेटिक आएगी। मैं झूठ बोल सकती हूँ, इतने सारे लोग झूठ नहीं बोलेंगे। और बहुत से मैंने आपको पहले भी गवाही दी है, जैसे कि माधवी हैं, रॉकी एस हैं, तो आप लोगों ने उनसे अगर इंटरव्यूज लिए होते हैं आपको सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती। ओके, आपके सपोर्ट में जो लोग आए हैं उन्होंने क्या कहा है? जी, उन्होंने ये कहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक लाइफ बचाई है। अंदर अगर वो रश्मि से फेक मैरिज भी कर रहे थे तो भी बहुत सवालों की ये सवाल होते, और उन्होंने जो बच्चे की बात छुपाई है उसी से उनका कैरेक्टर नजर आता है। जो आदमी 6 महीने में शादी करके ये बोलता है कि मेरा बच्चा है ऐसे ही हो गया, मतलब मेरा कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, बिना रिलेशनशिप के आप बच्चे पैदा कर देते हो और छोड़ देते हो, मुझे तो ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। और आई डोंट नो इन्होंने कितनी लड़कियां, और देखिए मैंने अकेले ने कुछ नहीं करा है, आपको मैंने बोला नताशा सूरी
उन्होंने आके आगे उनका पूरा आर्टिकल पढ़ी, उन्होंने भी अपनी तरफ से कंप्लेंट की हुई है। एक लड़की ने इनके खिलाफ नहीं बोला है, मैंने शुरुआत की तो बहुत सारे लोग इस चीज से जुड़ गए। तो ऐसे ही इतना कुछ नहीं होता, और इतने बड़े एक्टर जो सलमान खान है वो ऐसे ही किसी के बारे में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अंदर जाके जबरदस्ती सच नहीं खोलेंगे। अमृता, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जनता से आप क्या अपील करना चाहते हो कि आपकी किस तरह से वो हेल्प करें। जी एक्चुअली जनता ने ऑलरेडी बहुत हेल्प की है उसको वोटिंग ना करके, उसके 0.5 वोट्स थे, वहीं से मुझे पता चलता है कि जनता ने उनको कोई वोटिंग नहीं दी है। और बहुत सपोर्ट में बहुत लड़कियां हैं जो कि मेरे सपोर्ट में थी, तभी वो सामने आके उन्होंने और भी चीज़ें खोली हैं। तो जनता ऑलरेडी मेरा बहुत साथ दे रही है, और बाकी जो लोग उसकी तरफ से अभी तक भी साथ दे रहे हैं मैं उनको बेवकूफ़ समझती हूँ। इतना कुछ खुलने के बाद, नेशनल टी वी पे इतनी सारी रियलिटीज़ खुलने के बाद भी अगर इंसान के बारे में आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको मतलब मेंटली आप इंटेलिजेंट नहीं है, बेवकूफ़ हैं। और बाकी अभी भी बहुत से सपोर्टर्स हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, जैसे कि इवन लॉयर्स एंड ऑल, अगर ऐसा कुछ बहुत से लॉयर्स डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो अभी एक्चुअली मैं पुलिस के ऊपर ही छोड़ देना चाहती हूँ जिस तरीके से वो चलना चाहेंगे, और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि बहुत स्लो हो रहा है और बहुत धीरे चल रहे हैं हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, तो फिर मैं कोर्ट से उनको समन भेजूंगी, उस तरीके से फिर मैं आगे चलूंगी। लेकिन मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ कि पुलिस अपना काम करे और अपने हिसाब से इस चीज़ को सॉल्व करे। आपके सपोर्ट में कौन कौन आ रहे हैं? जी अभी मेरे को जैसे पंजाब से बहुत सपोर्ट है, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, तो वहाँ के कुछ एक्टर्स हैं जैसे कि अमन शर्मा है जो हिमांशी खुराना के साथ काफी काम कर चुके हैं पहले, तो उन्होंने मुझे कल ही एक वीडियो भेजा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने मुझे कहा तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत सारी लड़कियां अब इस चीज से बचेंगी, यू नो उसकी रियलिटी तुमने जो गट्स के साथ खोली है। क्योंकि देखिए इतना बोलने के बाद कुछ नेगेटिव भी चीज़ें आपके ऊपर आती है, बहुत से लोग उसकी तरफ से बकवास कर रहे थे, तो ये सब मैंने मुझे झेलना पड़ा है। एक तरफ से मैं अपने पैसे मांग रही हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ये सब भी मेंटल हरासमेंट झेलनी पड़ी है। तो ये सब चीज़ें साइड पे रख के भी मैंने बहुत मेहनत की है इस बात को बिग बॉस के घर तक पहुँचाने के लिए, ये लोन्स एंड ऑल दैट। तो सलमान सर ने मेरा सपोर्ट किया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में किसी की पर्सनल लाइफ इस हद तक खोली होगी, तो अगर मैं नहीं बोलती तो शायद ये चीजें ऐसी रह जाती और रश्मि से उसकी फेक मैरिज हो जाती। तो मैंने ये चीज खत्म कर दी, यही मेरी जीत है, इसी में मेरी आधी जीत छुपी हुई है।